कि ये बार बार जब वो नहीं आ रहा था ये लगातार उसको फोन कर रहा था, उसी के लिए उसको 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में इसने 13 बार फोटो बना के शुद्ध रूप से प्रेम प्रसंग में पूरी घटना। और पीछे ही रहिए, पीछे मंगल भाई जब फोन बंद हो गया तब आए ना एक बार सर कहाँ है और पीछे जाए, पीछे जाए, ए दूर और पीछे जाए, पीछे जाए, पीछे ए दूर काला का तो चापड़ है ये अभी ऐसा है ना ये मिला है अभी और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पैर अपना पीछे कोई ठीक नहीं ऐसा है कि कल सुबह में मस्का गांव में एक सिरकटी लाश मिली थी, बाद में उसकी पहचान राहुल बिंद मदन लाल बिंद निवासी नीवी थाना गुरुपुर के रूप में हुई और इस घटना को लेकर बहुत आक्रोश था वहाँ के आमजनों में और पुलिस ने एक आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर में इस घटना का अनावरण किया जाए। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का जो कुशल निर्देशन और इसमें सीओ कर्चना के नेतृत्व में एक टीम बनी, इसमें थानाध्यक्ष भूरपुर और इंस्पेक्टर औद्योगिक क्षेत्र यहाँ के सब इंस्पेक्टर सुनील सिंह दीपक चंचल यादव सभी ने और इनकी पूरी टीम ने बहुत ही सार्थक प्रयास करके और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी दिन रात देख करके इस घटना का बहुत सफल अनावरण किया है। इसका जो घटना का जो प्रमुख कारण था ये जो मृतक राहुल बिंद था इसकी आसपास की करीब 3 लड़कियों से संबंध और मसिका गांव की पजावा गांव की एक लड़की से इसके संबंध थे। पजावा गांव है वहां पर ये राहुल और ये भोले इसका एक दोस्त है चंदन ये सब वहां कबड्डी खेलने जाते थे उस गांव में, वहां की एक लड़की से आते जाते इन लोगों के संबंध हो गए, उस लड़की से संबंध राहुल से भी हुए और भोले के भी हो। आज जब उस लड़की से दोनों ने बात करना शुरू कर दिया तो राहुल को ये बात बहुत कटकी और राहुल मृतक जो था और उसने जो है करीब 7 से 8 दिन पहले इसकी पिटाई कर दी थी भोले, भोले इस बात से बहुत अपमानित हुआ और उसने इसके जितने विरोधी थे उन सबको इकट्ठा किया। राहुल के विरोधी राहुल के जो विरोधी क्योंकि राहुल का उस गांव की अपनी गांव की एक लड़की से भी संबंध था तो उसके भाई को इसने इकट्ठा किया।